रेडिकलाइजेशन, द टर्म रेडिकलाइजेशन ब्रॉड पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, ठीक है। रेडिकलाइजेशन ब्रॉड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल दोनों, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इन यूरोप, ठीक है, स्पेशली इन जर्मनी, जर्मनी में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। एंड जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू टेक वॉर रेपरेशन इन गोल्ड, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी फॉट वर्ल्ड वार इन लोन, ठीक है, एंड हैड टू पे इन गोल्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी हैड टेकन लॉट ऑफ लोन, ठीक है, आफ्टर टेकिंग लोन इट हैड फॉर दिस वर्ल्ड वार, क्लियर। एंड इन दिस वर्ल्ड वार, you know, he had to pay as a with the gold, this depleted gold reserve in Germany, ठीक है, and gold stock of Germany depleted means नष्ट हो गया, Germany का सारा gold stock खत्म, because it had taken loan from economical countries like USA, ठीक है, like Russia, understand, and many other European countries, that's why its reserve stock was ended, ठीक है। And in this way, in 1923 Germany refused to pay, right, and the French occupied its leading industrial area Ruhr, ठीक है, that's why, ठीक है, that's why it had lost its rich resource Rhineland, उसका जो Rhineland था जो कि सबसे रिच रिसोर्स था, it has lost because it could not pay the gold amount, ठीक है, इसीलिए इसका सारा का सारा क्या हुआ, रिच राइन लैंड इसके हाथ से निकल गया, ठीक है, उसको रूर भी कहा गया, राइट। एंड इन दिस वे इट हैड आल्सो टू गिव द कोल स्टॉक, तो उसको आयरन स्टॉक भी देना पड़ा, कोल स्टॉक देना पड़ा, क्योंकि गोल्ड स्टॉक बचा ही नहीं उसके पास, ठीक है, गोल्ड स्टॉक पहले दे चुका था, उसके बाद और स्टॉक उसको देने पड़े, ठीक है। सो इन दिस वे जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी को क्या हुआ, इट हैड स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर नोट, ठीक है, अब उसके पास सारे रिसोर्सेज जीरो, ठीक है, इट हैड नो रिसोर्सेज, दैट्स वाई जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी नोट, अब उसने करेंसी नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, पहले गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन चलता था, ठीक है, वो सारा उसको देना पड़ेगा, नाउ व्हाट लेफ्ट, ओनली करेंसी नोट इट हैड प्रिंटेड, ठीक है। एंड इन दिस वे द वैल्यू ऑफ द जर्मन फ्रैंक फेल, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ जर्मन फ्रैंक, राइट, जर्मन की करेंसी का नाम क्या, फ्रैंक, ठीक है, हाँ, द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी, नहीं फ्रैंक नहीं, मार्क, इसका नाम जर्मन मार्क, MARC, जर्मनी की करेंसी मार्क है, अभी भी चलती है ये करेंसी, ठीक है,
ये जो था इसकी वैल्यू क्या हो गई, फेल डाउन, फेल डाउन, राइट। इसकी वैल्यू गिर गई क्योंकि गोल्ड स्टॉक था ही नहीं उसके पास, इसलिए उसकी वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई, ठीक है। इन अप्रैल यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इन अप्रैल, वन यूएस डॉलर, ठीक है, इट बिकेम 24,000 मार्क, ठीक है, 24,000 मार्क के बराबर हो गया एक यूएस डॉलर। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसको पूरी एक बैलगाड़ी भर करके जो है तो देना पड़ रहा है, ठीक है, पे करने के लिए, क्योंकि एक यूएस डॉलर लेने के लिए उसको 24,000 मार्क उसको की गड्डी देनी है। तो एक डॉलर के लिए इतनी बड़ी गड्डी करेंसी नोट, ऐसे जो है मिलियन डॉलर्स थे, तो पूरा पता लगा कि 8-15-20 ट्रक भर करके उसको जो है अपना जो है करेंसी उसको छाप करके देना पड़ा, ठीक है। और इस तरीके से जर्मनी की बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई जर्मनी की, ठीक है। इन जुलाई, और जुलाई में क्या हुआ, 353,000 हो गया, जुलाई में 353,000 मार्क हो गया, यही वन यूएस डॉलर इन जुलाई। सोचो अप्रैल में उसका रेट क्या था, 24,000 मार्क, ठीक है, और वही जुलाई में गिर करके 353,000 मार्क हो गया और डिवैल्यूएट हो रही इसकी करेंसी, इजंट इट। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, अगस्त में क्या हो गया, और ज्यादा 46,21,000 मार्क हो गया इन अगस्त, ठीक, मतलब इसका वैल्यू एकदम खत्म हो गया जर्मन मार्क का ड्यू टू वर्ल्ड वार। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूएसए के कंपैरिजन में जर्मन करेंसी का बुरा हाल हो गया, है कि नहीं। सो इन दिस वे, और दिसंबर में ये हो गया 98,08,60,000, ठीक है, 98,08,00,000 कितना थाउजेंड, हाँ 60,000, जस्ट इमेजिन 60,000 मार्क हो गया, कब, इन दिसंबर, ये हाल था उसका। मतलब एक एक दिन करके हर महीने उसके वैल्यू जो है इट वॉज डिक्रीजिंग, अंडरस्टूड। सो जर्मनी बिकेम वेरी, यू कैन से वीक कंट्री, धीरे धीरे उसकी जो है क्या कहते हैं वीक कंट्री होती चली गई, क्लियर। एंड इन दिस वे द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, और दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर और डाउन हो गया उसकी करेंसी, ट्रिलियंस में चला गया बेचारा, ठीक है। और इस तरीके से एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, प्राइसेस और गुड्स सोल्ड, ठीक है, इन दिस वे एज वैल्यू ऑफ मार्क, ठीक है, कोलैप्स, जैसे जैसे मार्क की वैल्यू कोलैप्स हुई, द प्राइसेस ऑफ गुड्स, द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मतलब गुड्स की कीमतें बढ़ने लगी। अगर जर्मन मार्क की करेंसी का जो वैल्यू है वो कोलैप्स कर गया, एकदम घट गया, अब जो है क्या कहते हैं, एक किलो आलू लेने के लिए आपको एक बोरा नोट देना पड़ रहा है, ठीक है, एक बोरा नोट अगर आपके पास होगा तब एक किलो आलू मिलेगा, ठीक है। आपको 10 ग्राम जो है कोई चीज लेने के लिए पता लगा एक बैग भर के आपको मार्क करेंसी देनी पड़ती थी, ये था जर्मनी का हाल उस समय, ठीक है। सो इन दिस वे द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ड लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक इतना बड़ा ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए जो आज आपको 20-22 रुपए मिलता है आपके यहाँ पे, है कि नहीं, पूरा एक पैकेट बटर वाला है ना, एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए पूरा एक बैलगाड़ी भर के
उसको जो है मार्स नोट्स, ठीक है, गड्डी का गड्डी पूरा एक बार गाड़ी भर के देना पड़ता था, तब जर्मनी में एक ब्रेड का पीस मिलता था। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जर्मनी की कितनी कंडीशन खराब हो गई थी, ठीक है। दिसंबर तक तो एकदम से फीवर हो गया, राइट। सो हाँ, इन दिस वे देयर वॉज वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, पूरे दुनिया में लोग उसके सामने उसके आगे सिंपैथी दिखाने लगे, बेचारा जर्मनी क्या हाल हो गया इसका, पहले कहाँ हिटलर के टाइम में जो है बहुत उछलते थे, है कि नहीं, और अपने आप को सुपर पावर मानते थे, ठीक, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आज बेचारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यानी एक ब्रेड लेने के लिए एक बैलगाड़ी मार्क्स की गड्डी लेनी पड़ती थी, है ना। सो इन दिस वे दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। दिस कंडीशन, ठीक है, ऑफ जर्मन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी वाज नोन एज हाइपर, क्या नाम दिया गया उसको, हाइपर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन, ठीक, मतलब कमर तोड़ महंगाई। जर्मनी में कैसी महंगाई हो गई थी कि कमर टूट गए लोगों के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, अंडरस्टूड। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कोलैप्स, है ना, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, ठीक है, दैट्स वाई द कंडीशन ऑफ जर्मनी बिकेम द कंडीशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, ठीक है, एंड हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा महंगाई, ठीक है, यानी जर्मनी में हर चीज़ कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, अंडरस्टूड। जैसे एक होता ब्लड प्रेशर और एक होता हाइपर टेंशन, ठीक है, एक टेंशन होता है एक हाइपर टेंशन, वैसे एक इन्फ्लेशन होता है और उसी के बदले में हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, अंडरस्टूड। सो इन दिस मैनर इट हैपेंड, क्लियर। सो यू कैन से इट वॉज अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन की अगर डेफिनेशन आ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, व्हाट विल यू राइट, हाउ विल यू डिफाइन हाइपर इन्फ्लेशन, यू विल डिफाइन अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइजेस, अ सिचुएशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस, ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइजेस फेनोमेनली हाई, ठीक है, फेनोमेनली, अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइजेस फेनोमेनली हाई, दिस इज योर एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, क्लियर। सो इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवीन and bailed Germany out of the crisis by introducing Dawes plan, ठीक है, अब एक अमेरिका ने जर्मनी को उसकी इकोनॉमी को, ठीक है, लेवल में लाने के लिए अमेरिका ने एक नया प्लान स्टार्ट किया, एंड द नेम ऑफ दैट प्लान इज Dawes plan, ठीक है, Dawes plan, DAWES, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज Dawes plan, ठीक है, वट इज Dawes plan, विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स, ठीक है, अ प्लान विच रीवर्क एन US plan, ठीक है, एन US plan विच रीवर्क, ठीक है, इट इज एन US plan,
which reworked the terms of reparation. The terms of reparation. The terms of reparation. ठीक है. It was an US plan which reworked the terms of reparation to ease the financial burden. Financial burden of Germany. Clear? This is your Dawes plan. एग्जाम में पूछा जा सकता है. What was Dawes plan? ठीक है. You will say it was an US plan which reworked the term of reparation. मतलब जर्मनी में रिपेयरिंग हुई उसकी इकोनॉमी जो पूरी तरह से एकदम चौपट हो चुकी थी, फट चुकी थी, उसको रिपेयर किया गया डाउस प्लान से टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी, ताकि जर्मनी पे जो फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, उसको ईज पहुँचाने. अंडरस्टूड? तो फॉर 9th क्लास दिस इज सफिशेंट. ठीक है, यही इतना आपके सिलेबस में. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू टेक the new topic, the years of depression. Very important topic. Understood? अब इसी वजह से, जर्मनी की वजह से क्या हुआ, पूरे यूरोप में डिप्रेशन आ गया. ठीक है, डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, इकोनॉमी वॉज ड्रॉप्ड. ठीक है, नेशनल इकोनॉमी वॉज टोटली ड्रॉप्ड. ठीक है, एंड ब्रॉट द ईयर ऑफ डिप्रेशन. ईयर ऑफ डिप्रेशन है ना. डिप्रेशन मतलब एक तरीके से डिप्रेस्ड हो गया पूरा हर चीज, पूरी मार्केट डिप्रेस हो गया. इकोनॉमी वॉज डिप्रेस्ड मीन्स पीपल हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट टू परचेज अ सिंगल कमोडिटी. अंडरस्टूड? एक कमोडिटी खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा उनका खर्च होता था. और ये कब से कब तक हुआ? 24 से 28. ठीक है, फ्रॉम 1924 टू 28 दिस डिप्रेशन टुक प्लेस. 1924 से 1928 तक ये डिप्रेशन हुआ. ठीक है, इट सॉ सम स्टेबिलिटी. यर दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये रेत के टीले पे बना था. इट वॉज मेड ऑन सैंड एंड इट वॉज कोलैप्स्ड अगेन. ठीक है, ये जो हमारा डिप्रेशन था. एंड जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है, जर्मनी का जो भी था इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वो शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड करता था. उन्होंने कितना लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स अमेरिका ने लेना शुरू किया यूएसए ने. एंड दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. ठीक है, क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ यूएस वॉज क्रैश्ड इन 1929. ठीक है, यूएसए का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश कर गया. वाई? Because it has given so much loan to various European countries, but they were unable to return. Loan तो उसने खूब धड़धड़ा के लिया, लेकिन वह लोन वापस आया ही नहीं. तो क्या हुआ, उसका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था पूरा कोलैप्स कर गया यूएसए का. ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, मेन वही कंट्री था जो लोगों को पैसे देता था, जब उसी का ही सिस्टम गड़बड़ हो गया तो आप पैसे कहाँ से आएंगे. How money will percolate? Money could not percolate from top level to grassroots level. मतलब percolation का मतलब जानते हैं क्या होता है? Means जैसे बारिश होती है ना, ये आपका लैंड सरफेस है, जब पानी बरसेगा
तब पानी जो है परकुलेट हो करके नीचे ग्राउंड वाटर लेवल बनेगा, है कि नहीं। तब हम लोग जो है जब बारिश खत्म हो जाएगा तब हैंडपम्प से हम लोग पानी ड्रॉ कर सकते हैं या पंपिंग सेट से, राइट। जब ये पानी बरसा ही नहीं तो ये हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल कैसे मेंटेन होगा, बात समझ रहे हो। यानी यूएसए एंड रसिया दे वर फाइनेंशियल कंट्री, दे हैड टू पे शॉर्ट टर्म लोन। जब वो पैसा देते ही नहीं थे तो यूरोपियन कंट्री में ये पैसा कैसे परकुलेट होगा, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी, फिर वो लोग मार्केट में जाकर के कैसे सामान खरीदेंगे। जब मार्केट में सामान नहीं मिलेगा तो सारे सेठ लोगों का सामान डंप पड़ा रहेगा, है कि नहीं। और जब सामान डंप पड़ा रहेगा तो जिस फैक्ट्री से आया है उस फैक्ट्री के लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं। और उस फैक्ट्री के लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं बाई करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे विल नॉट बाई। देन योर फार्मर्स देयर फूड ग्रेन्स इट विल रिमेन इन द फील्ड, वैसे बोरा का बोरा उनके घर पड़ा रहेगा एंड फाइनली चूहे खा जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या हुआ, डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन। देयर इज नो मनी इन एवरीबडीज पॉकेट, किसी की जेब में एक पैसा नहीं रहेगा। तो क्या मार्केट में ट्रांजेक्शन होगा, कैसे सामान बिकेगा, कैसे साड़ी बिकेगी, कैसे कपड़े बिकेंगे, ठीक है, कैसे दूध बिकेगा, कैसे वेजिटेबल्स बिकेंगे। दिस बिकेम अ डिप्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। अंडरस्टूड। तो ये डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि यूएसए वॉज प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन टू एवरीवन, बट बिकॉज दिस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज क्रैश्ड इन 1929 में, ठीक है। ये 1929 में जब क्रैश कर गया तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कहीं से भी शॉर्ट टर्म लोन मिलना बंद हो गया। जब शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रीज कैन नॉट रन देयर इंडस्ट्रीज, पीपल विल नॉट रन देयर इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ नो इन्वेस्टमेंट। इनपुट कहाँ से लगाएंगे, पैसा रहेगा तभी तो, है कि नहीं, तभी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तभी प्रोडक्शन होगा, है ना। फार्मर कब तक उधार देता रहेगा बेचारा, कहेगा 5 साल से उधार ले रहे थे अभी तक पिछला वाला चुकता ही नहीं किए, फिर से लेने चले आए हो, कहेगा ना। कॉटन मिल वर्कर्स के साथ यही होता था इंडिया में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ था, ठीक है, उनका पेमेंट ही नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश लोग वो कॉटन मिल में जो है कपड़े बना बना करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे, और इंडियन जो कॉटन मिल वर्क मतलब जो फार्मर्स थे वो हैव टू सप्लाई रॉ मटेरियल, दे वर अनेबल टू गेट देयर वैल्यू। तब महात्मा गांधी को जाना पड़ा चंपारण में, ठीक है, गुजरात में खेड़ा में, ठीक है। तब उन्होंने जाके लड़ाई झगड़ा किया, है ना, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, ठीक है, तब जाके उनकी आंखें खुली, तब थोड़ा मोड़ा पैसा दिए, है कि नहीं, तो भी नहीं मिलने वाला था, क्लियर। तो दिस वॉज हैपेंड, राइट। सो फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, ठीक है, राइट। ड्यू टू फॉल ऑफ मार्केट पीपल स्टार्टेड सेलिंग शेयर, जो शेयर उन्होंने खरीदे थे उसको धड़ाधड़ा के बेचने लगे, कहे कि अब तो ये शेयर हमारा इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसलिए जिसको जो भी ग्राहक मिला तुरंत बेचना शुरू कर दिए, ठीक है, कि भाई शेयर्स बेच दो, जो भी पैसा मिला ले लो, नहीं तो भी नहीं मिलेगा, क्लियर। तो ये फ्रेनेटिक कंडीशन वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, ठीक है। एंड ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, 24 अक्टूबर को इतने मिलियन शेयर आपके सोल्ड हो गए एक झटके में, ठीक है। फटाफट लोगों ने बेचना शुरू कर दिया बिकॉज दे हार्ड दैट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ यूएसए वाज कोलैप्स, नाउ दे आर अनेबल टू गिव प्रॉफिट ऑन द शेयर, ठीक है। जब शेयर पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा शेयर रख के, इजंट इट, इसीलिए उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। एंड ड्यू टू फॉल ऑफ मार्केट पीपल स्टार्टेड सेलिंग शेयर एंड ग्रेट इकोनॉमिक
डिप्रेशन स्टार्टेड, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज स्टार्टेड इन यूरोप, अंडरस्टूड। सो यू कैन से दैट द इयर्स बिटवीन 1929-32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल हाफ, ठीक है, अंडरस्टूड, आधा हो गया नेशनल इनकम अमेरिका का, पूरे यूएसए का नेशनल इनकम गिर करके आधा हो गया, क्लियर। एंड फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, और क्या क्या हुआ, फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद, ठीक, एक्सपोर्ट बंद, अब विदेश में कोई सामान नहीं भेज सकते थे, अंडरस्टूड। फार्मर्स वर बैडली हिट, ठीक है, फार्मर्स वर बैडली हिट, ठीक है, जितने भी फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा, देवर बैडली हिट, क्लियर। एंड व्हाट हैपेंड, स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम मार्केट, ठीक है, जितने भी स्पेकुलेटर जो पैसा लगाते थे मार्केट में, ठीक है, मान लीजिए कि सयादपुर में कोई सेठ है, उसके पास बहुत पैसा था, तो सब्जी मंडी के जितने भी मर्चेंट्स हैं उन्होंने उससे पैसा उधार ले करके अपना जो है सब्जियां मंगानी शुरू कर दी, बेचनी शुरू कर दी। जब उस सेठ को पता लगा कि यूएस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स कर गया है, तो दौड़ा गया, रातों रात उसने सबसे अपना पैसा वापस ले लिया, उसने कहा मेरा पैसा दो, अब मैं नहीं दे सकता उधार, ठीक है। अब क्या हुआ, जितने भी ट्रेडर्स थे दे आर हेल्पलेस, अब जब उनके पास पैसा नहीं होगा फार्मर से कैसे सब्जी खरीद के लाएंगे, सब्जी कौन बेचेगा, फार्मर के खेत में होगा ना, फार्मर को जब पैसा मिलेगा तभी तो देगा, पता लगा है एक ट्रक आपको गोभी लेना है तो फार्मर कहेगा 10,000 का होगा, ठीक, तो अगर आप उसको 10,000 दोगे तभी तो देगा, अब उसका सारा पैसा तो सेठ ने, सयादपुर के सेठ ने उसने अपना ले लिया पैसा, कहा हम नहीं देंगे आपको पैसा, तो अब वो जाएगा किसान के पास, वो पैसा देगा उसको, नहीं देगा ना, किसान कहेगा भाई हमको पैसा दो नहीं तो हमारे पास लोग आए हमारे खेत से खरीद के ले जाएंगे, इजंट इट। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, अंडरस्टूड। सो द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस जर्मनी इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इस तरीके से यूएस इकोनॉमी का जो इफेक्ट है, यूएसए की इकोनॉमी का ये हाल हुआ, तो ये पूरे वर्ल्ड में डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। जैसे चाइना में COVID-19 शुरू हुआ तो ये पूरा ग्लोबलाइज हो गया, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लोगों को मास्क लगाना पड़ा ना। इसी तरह से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए जर्मनी में हुआ, उसका इफेक्ट यूएसए पे पड़ा ड्यू टू वर्ल्ड वार, और पूरी दुनिया भिखारी हो गई, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है क्या कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, राइट। सो दिस वाज अ वेव, अंडरस्टूड, एंड दिस ब्रॉट यू नो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट इन द जर्मनी, क्लियर। सो वी कैन से दैट जर्मन इकोनॉमी इट वाज टोटली चैलेंज, राइट अ क्वेश्चन एवरीवन, राइट अ क्वेश्चन, Describe the impact of great economic depression worldwide, ठीक है, इसमें सारा आंसर आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया है
this will be your answer. Understood? And you should try to develop this answer. Clear?